उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आगरा प्रभारी डॉक्टर एके शर्मा आगरा आए। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सर्किट हाउस में हुई बैठक के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा आगरा को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आगरा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर एके शर्मा आगरा पहुंचे। सर्किट हाउस में नगर विकास मंत्री ने जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक काफी गर्मा गर्म रही। इस दौरान जन प्रतिनिधियों ने कई समस्याओं को प्रभारी मंत्री नगर विकास मंत्री के सामने रखी। जलकल से जुड़ी भी समस्या थी। विधायक विजय सेवरे ने समस्या को जोरदार तरीके से रखा। नगर विकास मंत्री डॉक्टर एके शर्मा कहते हैं, बैठक के दौरान विकास को लेकर चर्चा की गई है, किस तरीके से आगरा को विकास के पथ पर ले जाना है। प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने जिले के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय हमारे नगर के भाजपा के अध्यक्ष जी, माननीय महापौर, माननीय विधायकगण, माननीय MLC, जिला पंचायत के अध्यक्षा, इन सभी की उपस्थिति में अधिकारियों के साथ जिले के विकास के कार्यों की हमने समीक्षा किया, चर्चा किया, जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों की व्यापक चर्चा हुई और आने वाले दिनों में जो कार्य करने हैं, जो कार्य योजनाएँ बनानी हैं, उसका स्वरूप दिया गया। जिले के सभी प्रतिनिधिगण से, जनप्रतिनिधिगण को मैं धन्यवाद करता हूँ इतनी सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। केंद्र की मोदी सरकार ने आगरा को स्मार्ट औद्योगिक सिटी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। सबसे पहले सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री डॉक्टर एके शर्मा ने इसी बिंदु पर चर्चा की। नगर विकास मंत्री डॉक्टर एके शर्मा कहते हैं, इससे आगरा को बड़ा फायदा मिलेगा। यूपी में आगरा और प्रयागराज को औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जी, आज उस पर बहुत ही बेहद चर्चा हुई है। भारत सरकार ने जो आगरा को एक औद्योगिक शहर बनाने का, केंद्र बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके दृष्टिगत सर्वप्रथम चर्चा उसी पे हुई। और आगरा का जो एक औद्योगिक स्वरूप था पहले, आपको मालूम है कि यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती थी, अभी भी बनती हैं, जिनका पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी नाम था। चमड़े के ऐसे काम थे, लेकिन समयांतर में वो उद्योग काफ़ी कमज़ोर पड़ गए, लुप्त हो गए, कुछ पर्यावरण के कारण से भी बंद हुए। उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए फिर से जिले की औद्योगिक प्रतिभा का कैसे उजागर किया जाए, खास करके IT संबंधित उद्योगों को विकसित करके, जो पोल्यूशन कम करने वाले उद्योग हैं उनको विकसित करके, ऐसी आज एक बहुत व्यापक चर्चा हुई है, जिसके लिए जमीन की भी व्यवस्था की बात हुई है, अन्य सुविधाएं करने की भी बात हुई है। यहाँ मंडला आयुक्त जी भी आई थी, जिन्होंने भी चर्चा में भाग लिया। आगरा में उत्तर भारत की ऐतिहासिक जनकपुरी संस्थी है। जनकपुरी समिति के सदस्यों ने भी मुलाकात की, आमंत्रण पत्र भी दिया। इसके अलावा नगर विकास मंत्री का कहना था, जनकपुरी पर सरकार का ध्यान है, जिला प्रशासन का ध्यान है, विकास कार्य होंगे। जनकपुरी का जो अगले महीने में जो आयोजन होने वाला है, उसका मैंने भी आज मुझे जानकारी मिली है। पिछले साल भी इस उत्सव में जुड़ने का प्रसंग आया था। आज ही शायद वहाँ भूमि पूजन हुआ है और आने वाले महीने में उसका उत्सव होने वाला है। नगर निगम की ओर से और सरकार के अन्य विभागों की ओर से जो भी आवश्यक होगा वहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। आगरा को औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, मोदी सरकार की मोहर लग चुकी है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महापौर हेमलता दिवाकर ने भी केंद्र सरकार की तारीफ की है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महापौर हेमलता दिवाकर कहती हैं, इससे आगरा को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जो उद्योग धंधे उजड़ गए थे उन्हें फिर से जीवित करने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आगरा को एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए जो योजना तैयार की है, उत्तर प्रदेश में आगरा को और प्रयागराज को चुना है। मैं आगरा की जनता की ओर से अपनी मोदी जी की सरकार को बधाई देता हूं, क्योंकि विकास पुरुष हैं, पूरे देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और आगरा भी निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएगा।
इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारे आगरा को भी चिन्हित किया है और एक शायद इलाहाबाद है, तो दो हमारे आज जो पास हुए हैं उसके लिए मैं आज हमारे नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री भी हमारे आगरा में एके शर्मा जी, जिन्होंने आज हम जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक बैठक भी ली है और इसमें शहर की बहुत सारी गतिविधियों के बारे में हमने उनसे चर्चा भी की है। सरकार ने हमारे आगरा को औद्योगिक क्षेत्र में लेने के लिए जो फैसला लिया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ यकीनन, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ताजमहल की वजह से जो एनजीटी की वजह से जो यहाँ पे उद्योग बंद पड़े हुए थे वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। नगर विकास मंत्री की बैठक में सभी आला अधिकारी मौजूद थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नगर विकास मंत्री ने अपना एजेंडा रखा और विकास कार्यों की समीक्षा की। आगरा को औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने अपनी मोहर लगा दी। उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज को इसमें शामिल किया गया है। इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आगरा है उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री, आगरा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर एके शर्मा भी बैठक के दौरान इसी बिंदु पर चर्चा करते नजर आए। अधिकारियों के साथ चर्चा की, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई। दावा किया गया कि इससे आगरा को बड़ा फायदा मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा नगर विकास मंत्री ने आगरा के विकास को लेकर तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा की, किस तरीके से आगरा में विकास कार्य रफ्तार पकड़ सके। तमाम ऐसे बिंदु थे जिसको लेकर वे सख्त भी नजर आए। जनप्रतिनिधियों ने अपना पक्ष भी रखा। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।